इस वीडियो में हम लोग इंडिया में हुआ पहला डायमंड स्कैम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जब प्रीवियस वीडियो में सोना गाड़ी सब पे चर्चा हो चुका है तो इस वीडियो में डायमंड पे क्यों नहीं? वो KGF का लाइन यार मेरे लिए बहुत सुटेबल है। स्कैम 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 आई डोंट लाइक आई अवॉइड बट ऑडियंस लाइक स्कैम सो आई कांट अवॉइड। नाउ बैक टू ओरिजिनल स्टोरी। राव शिव बहादुर सिंह चूरहट मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहाँ के जागीरदार यानी लैंडलॉर्ड थे और 26 नंबर राव थे चूरहट के। चूरहट जो है रेवा प्रिंसली स्टेट के अंदर पड़ता था इंडिपेंडेंस के पहले। तो इंडिपेंडेंस के बाद जब रेवा के रूलर डिसाइड की कि वो इंडिया के पार्ट होंगे तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया का पार्ट हो गया। इंडिपेंडेंस के समय राव शिव बहादुर सिंह जी मध्य प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट कांग्रेस के पार्टी लीडर थे एंड बाद में वो नेहरू जी के कैबिनेट में मिनिस्टर भी बने। तो पूरा स्कैम उन्हीं से रिलेटेड और ये उनका बैकग्राउंड। 1950s में राव शिव बहादुर सिंह जी को आधिकारिक दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट फॉर्जरी के केस में गिल्टी पाया गया। उन्होंने एक्चुअली किया क्या, उन्होंने जो पन्ना डायमंड माइन है जो इंडिया का बिगेस्ट डायमंड माइन है उसे डॉक्यूमेंट फॉर्जरी करके इलीगल परमिशन दे दिया शुरू करने के लिए, जिसके लिए उन्हें मार्च 1949 में दिल्ली में, अबे लोकेशन याद रखना दिल्ली में क्योंकि इस पर केस बनेगा बहुत इंटरेस्टिंग बाद में, तो दिल्ली में फर्म के नागेंद्र दास मेहता द्वारा 25,000 रुपया पूछ दिया गया। डायमंड माइन शुरू करने का रीजन तो ऑब्वियस है, ताकि इलीगली शुरू करे बिना गवर्नमेंट को नोटिफाई किया जो भी डायमंड का वहाँ एक्सकवेशन होगा सब इक्वल प्रॉफिट डिविजन हो जाएगा। ताज्जुब वाला बात है कि ये अप्रूवल उन्होंने तब दिया जब वो ऑलरेडी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे। कानूनी मुकदमा यानी कोर्ट केस में इनिशियली उन्हें स्पेशल कोर्ट द्वारा इनोसेंट या नॉट गिल्टी डिक्लेयर किया गया, लेकिन स्टेट ने जुडिशियल कमिश्नर को अपील की जहां उन्हें फॉर्जरी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए गिल्टी पाया गया और 3 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजन की पनिशमेंट भी सुनाई गई और तो और उन्हें कांग्रेस पार्टी से भी निकाल दिया गया था। अब जुडिशियल कमिश्नर है कौन, ये तो सवाल होता है। जुडिशियल कमिश्नर वो पर्सन थे जो नॉन परमानेंट बेसिस पे जुडिशियल मैटर देखते थे कोर्ट के आने से पहले। फिर 1953 में राव शिव बहादुर सिंह ने यही मैटर को सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन वहां भी उन्हें गिल्टी पाया गया। इस केस में लॉ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट 3 points पे डिबेट हुआ राजेंद्र नारायण द्वारा, जो राव शिव बहादुर सिंह जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब राजेंद्र नारायण जी का जो फर्म था वो इंडिया का फर्स्ट लॉ फर्म था, तो कौन कौन 3 points पे डिबेट हो रहा था। पहला, कहीं भी इंडिया में ये नहीं लिखा है कि स्टेट लोअर कोर्ट का डिसीजन या जो जजमेंट है उसको अपील कर सकती है या चैलेंज कर सकती है। मतलब स्पेशल कोर्ट जब राव शिव बहादुर सिंह जी को इनोसेंट या नॉट गिल्टी डिक्लेयर कर दिया तो कैसे स्टेट उस डिसीजन को चैलेंज किया और जुडिशियल कमिश्नर उस केस को उठाया और मैटर वहां तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने आंसर दिया और ये स्टेटमेंट सब ध्यान से देखना, लुकिंग एट द स्पिरिट ऑफ द अपील्स रिलेटेड टू द केस। अब इसमें बहुत ही समझने वाला स्पिरिट ऑफ द अपील्स मतलब एक लॉ को बहुत तरीका से इंटरप्रेट किया जा सकता है, एक लॉ के स्टेटमेंट्स को जिस तरीका से वो स्टेटमेंट इंटरप्रेट होना चाहिए उसको स्पिरिट ऑफ द टेक्स्ट बोलते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पिरिट ऑफ द टेक्स्ट रिलेटेड टू द अपील्स, यानी अपील्स जो हुआ इस केस में हायर कोर्ट में उसका जिस तरीका से इंटरप्रिटेशन होना चाहिए था अपील्स का उसको इंटरप्रेट करते ही केस ऊपर पहुंचा। इसलिए ये जो पॉइंट था राजेंद्र नारायण का सुप्रीम कोर्ट ने पूरा नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। सेकंड पॉइंट वो था कि जब क्राइम मार्च 1949 में हुआ है और इस क्राइम से लेजिस्लेचर यानी लॉ जो है सितंबर 1949 में बना है, यानी जब क्राइम हो रहा था उस समय इस रिलेटेड कोई लॉ ही नहीं था, तो अब किस लॉ के तहत उनको पनिशमेंट दे रहे हैं, गिल्टी ठहरा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका बहुत इंटरेस्टिंग आंसर दिया। बात तुम्हारा सही है कि जो लेजिस्लेचर जो लॉ बनाए थे वो सितंबर में बनाए थे, लेकिन उस समय जो क्राइम हुआ उस समय भी एक लॉ था इंडिया में जो एग्जिस्ट कर रहा था, जो इंडियन पीनल कोड था जो 1862 में ब्रिटिश बनाए थे जो चले आ रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेजिस्लेचर जो लॉ बनाए हैं वो हूबहू IPC का कॉपी ही है, तो जो लॉ उस समय एग्जिस्ट कर रहा था और जो लॉ सितंबर में बाद में बनाया गया जब दोनों सेम है तो हम क्यों नहीं उस लॉ के बेसिस पर पनिशमेंट दे सकते हैं। यहाँ भी उनका पॉइंट को नल एंड वॉइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट। थर्ड पॉइंट, जब क्राइम दिल्ली में हुआ यानी ब्राइबरी घूस दिल्ली में लिया गया और केस मध्य प्रदेश कोर्ट में चल रहा है तो मध्य प्रदेश कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर है तो केस तो बनता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका आंसर दिया कि ये पहले के लिए सही था जब इंडिया में प्रिंसली स्टेट थे, ब्रिटिश रूल्ड प्रोविंसेस थे, लेकिन अब जब इंडिया का यूनिफिकेशन पूरा हो चुका है तो अब इंडिया के एक कोना में अगर क्राइम किया गया तो कोई अलग कोना से इसका ताल्लुकात है, तो सुप्रीम कोर्ट एज ए ओवरऑल केस को सुन सकता है और इस पे जजमेंट दे सकता है। ये जो तीनों पॉइंट्स है राजेंद्र नारायण को इसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। राव शिव बहादुर सिंह जी लास्ट तक गिल्टी प्रूवन हुए एंड रिगरस इम्प्रिजनमेंट का सजा काटते हुए जेल में ही उनका डेथ हो गया। तो यही था इंडिया का जेम्स ग्राफ केस या डायमंड स्कैम केस
जो हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुंद्रा स्कैम के बारे में बात करने वाले, जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंडिया का फर्स्ट फाइनेंशियल स्कैम था। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करना, मेरे लिए बहुत बड़ा बात होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। जैसे ऐसे स्कैम्स और अनलीश हो रहा है, स्कैम्स का अमाउंट, स्टाइल एंड दिमाग बढ़ते जाएगा। और लाइक और कॉमेंट तो ऑब्वियस है कर देना, क्योंकि हम लोग की टीम को बहुत सपोर्ट एंड मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।